हेलो दोस्तों, वेलकम है एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विशाल 07 में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SE के न्यू अपडेट के बारे में। जी हाँ जी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर चैट के हमारे जो नया अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में। तो मैं आप सब लोगों को टाइम टू टाइम जो है शेयर चैट की सारी अपडेट्स जो है देता रहता हूँ। तो इसी दौरान मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं और बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाई हैं। तो अगर आप सब लोगों को शेयर चैट का मोड APK डाउनलोड करना है तो आप सब लोग मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मोड APK डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आप सब लोगों को गिफ्ट मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है जी, तो आप मेरी इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप सब लोगों को जो है गिफ्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपको अगर कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा है, आप विनर रहे हैं, गिफ्ट नहीं मिला, आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कैसे आप सब लोग शेयर चैट का जो प्राइवेट अकाउंट है वो कैसे बनाते हैं वो आपको बताता हूँ। तो मैं आप सब लोगों को उससे पहले बताने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि यार ये देखिए, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार हमारे पास जो है जो मोड APK नहीं है। दोस्तों, ये जो MK हार्ड वाला है, ये मैं जो है यही वाला मोड APK यूज़ करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, और आप सब लोगों के सामने भी आज मैं यही वाला APK यूज़ करने वाला हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। और आप सब लोग देख सकते हैं कि ये जो APK है बिल्कुल वर्क करता है, और जो लोग कहते हैं वर्क नहीं करता है तो यार उन सब के लिए लाइव प्रूफ है, और मैं पहले भी आप सब लोगों को लाइव प्रूफ दिखा चुका हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसे जब हम ओपन करेंगे तो ये आराम से देखिए यहाँ से ओपन हो जाएगा। अगर इसे ओपन होने में दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना डाटा जो है बंद कर लेना। तो यहाँ पर मैं वाईफाई बंद कर लेता हूँ और इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद जब भी हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, इसे हम ओपन कर लेंगे। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद ये देखो दोस्तों, आपके सामने ये ओपन हो रहा है, ठीक है जी। डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद ये आप सबके सामने ऐसे ओपन हो गया। तो आपको क्या करना है, वाईफाई दोबारा ऑन कर लेना है या अपना मोबाइल डाटा है ऑन कर लेना है। तो इस हिसाब से ये चलता है, इसी हिसाब से ये वर्क करता है, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोफाइल वाले सेक्शन में आना है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तों अपडेट क्या है। अपडेट थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन ये जो अपडेट है बहुत ही स्पेशल अपडेट है, क्योंकि इस अपडेट में, इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ इसके बारे में। सबसे पहले आप सब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमें एक लॉक दिखाई दे रहा है। लॉक दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। यार ये जो लॉक का क्या काम है, कैसे ही काम कर सकता है, आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, किसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, ठीक है जी, सारी डिटेल बताऊँगा। तो यार दोस्तों, रिक्वेस्ट है छोटी सी आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि SE की हर एक अपडेट, शेयर चैट की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, छोटी नहीं इंपॉर्टेंट, जो आप सब लोगों के लिए बढ़िया अपडेट होती है, वो मैं आप सब लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से अब हम लॉक पे क्लिक कर देते हैं। जब हम लॉक पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमें ये जो है दिखा देता है। सबसे पहले बताते हैं निजी अकाउंट। तो यहाँ पे हमें ये जो बताते हैं निजी अकाउंट, निजी अकाउंट मतलब आपका होता है प्राइवेट अकाउंट, ठीक है जी। ये मैं सारा आपको हिंदी में डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सब लोग आसानी से समझ सकें, मेरे भाई बंधु जितने भी हैं। तो सबसे पहले निजी अकाउंट, निजी अकाउंट है, अगर आप इसे निजी कर देंगे, ठीक है जी, इसे हम ऑन कर देंगे, आपको शेयर चैट पर फ़ोन फैन फॉलो कर रहे हैं आप चुन सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी डिटेल्स आप देख लीजिएगा, सिर्फ आपके फॉलोवर ही आपकी पोस्ट देखेंगे। तो यार अगर आप प्राइवेट कर लोगे तो आपको जो है एक फ़ायदा तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आपकी पोस्ट डालोगे और आप कह दो कि यार वायरल नहीं हो रही, और आपने अपना अकाउंट प्राइवेट कर रखा है, तो यार प्राइवेट अकाउंट होने के बाद तो पोस्ट वायरल होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोगों को देखेगी जो आपके फॉलोवर हैं, सिर्फ आपके फॉलोवर्स ही आपकी प्रोफाइल पिक्चर या विस्तार देख सकेंगे। अब जो सिर्फ आपके फॉलोवर हैं वही लोग जो है आपकी प्रोफाइल देख सकेंगे, केवल आपके फॉलोवर ही आपको फॉलोइंग लिस्ट और फॉलोवर देख सकेंगे। हाँ जी, आप किन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है जी, या कौन लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ये वही लोग देख सकेंगे जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपके जो फ्रेंड हैं वही देख सकेंगे, और कोई नहीं। थोड़ा प्राइवेट हो जाता है, सिर्फ आपके फॉलोवर ही देख सकेंगे कि आप कौन से ग्रुप में हैं, ठीक है। जो आपके फॉलोवर हैं वही देख पाएंगे कि भैया आप कौन से ग्रुप में हैं, कोई भी आपकी पोस्ट को डाउनलोड नहीं कर सकता। हाँ, अब ये जो है पोस्ट वायरल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, अगर आपने प्राइवेट किया हुआ है तो यार आपकी पोस्ट वायरल होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी पोस्ट को डाउनलोड नहीं कर सकता, सिर्फ आपके फॉलोवर ही आपको सीधा संदेश भेज सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पर जो है सिर्फ आपके फॉलोवर ही आपको सीधा संदेश भेज सकेंगे कि जो फालतू जो आपको मैसेज आते हैं वो आपको नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑन कर लीजिएगा, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो रद्द कर दें, रहने दें, ठीक है। और इसके साथ एक छोटी सी सेटिंग्स और होती हैं, तो अगर आपको मैं वो भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। फॉलोवर सूची अगर आप चाहें कौन देखें, अगर आप चाहते हैं कोई नहीं तो आपके फॉलोवर कोई नहीं देख पाएगा। फॉलो की गई सूची, अगर आप चाहते हैं मेरे फॉलोवर्स देखें तो सिर्फ आपके फॉलोवर्स देखेंगे, अगर आप चाहते हैं आपसी आप एक दूसरे के देख सकें वो देखेंगे, अगर आप चाहते हैं कोई नहीं तो यहाँ पे आप कोई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है फॉलोवर रिक्वेस्ट, ठीक है जी, कोई नहीं भेजा, ठीक है, प्राप्त हुए कोई नहीं, ठीक है जी। तो ये सब आपके हैं थोड़ी सी सेटिंग्स। उसके बाद आप मुझे टैग कर सकता है, और यहाँ पे जो है आपको टैग कौन कर सकता है, आपके फॉलोवर्स दोनों तरफ से फॉलो, ठीक है जी, आपको भी किया हो और आपको भी किया हो, सिर्फ मेरे फॉलोवर्स या सभी लोग या कोई नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पे है सभी लोग, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा। विज्ञापन, ठीक है जी, अगर आप सब विज्ञापन दिखाना चाहते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑन कर लीजिएगा, वरना यहाँ पे विज्ञापन ऑफ कर दीजिएगा, ये विज्ञापन आपको नहीं दिखाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे आप प्राइवेट शेयर चैट के बारे में यहाँ से थोड़ी सी हम जानकारी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बताते हैं, तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि अगर आप सब लोग अपनी पोस्ट वायरल करना चाहते हो, अपने आप ज़्यादा व्यूज़ चाहते हो, तो आप इसे प्राइवेट ना कीजिएगा, ठीक है जी। अगर आप सब इसे प्राइवेट कर देंगे तो आपको ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, ज़्यादा फॉलो रिक्वेस्ट नहीं आएंगी, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, पोस्ट वायरल नहीं होगी, पोस्ट वायरल डाउनलोड नहीं करेंगे, तो इसका आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान रहने वाला है। तो ये सब उन्हीं के लिए है, जैसे जो लोग लड़कियां यूज़ करती हैं उनके लिए है, या फिर जो लोग घर वालों से छुपा कर आईडी चलाते हैं, या वो लोग इसका यूज़ कर सकें तो ही बढ़िया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा ऑन हो गया है, प्राइवेट ऑन होने के बाद, ठीक है जी, फॉलोवर्स की समीक्षा, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से इसे हटा भी सकते हैं कि ये मुझे फॉलो ना करे, ये मुझे फॉलो ना करे। तो ऐसा होता है कुछ प्राइवेट अकाउंट, तो ये आपका यहाँ पे जो है लॉक लग चुका है, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है अब यहाँ पे लॉक लग चुका है, पहले जो यहाँ पे लॉक था खुला हुआ था, अब यहाँ पे लॉक लग चुका है, अब आपको कोई भी नहीं देख सकता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने प्राइवेट अकाउंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।